हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे द बुल मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सलमान खान के फैंस उनकी अगली मूवी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी में खबर आई है कि सलमान खान मूवी प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ अपनी अपकमिंग मूवी में नजर आने वाले हैं। इसी बीच सलमान खान की इस नेक्स्ट मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके चलते फिल्म की शुरुआत को लेकर जानकारी मिली है। इस साल मूवी किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आने वाले सलमान खान की अगली मूवी को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। टाइगर 3 की रिलीज के करीब 1.5 महीने के बाद ही भाईजान की अपकमिंग मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर यह है कि फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ सलमान खान की अगली मूवी की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। साथ ही इस मूवी को कौन डायरेक्ट करने जा रहा है वो भी आपको पता ही है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विष्णु वर्धन और इस मूवी का टाइटल रहा है द बुल मूवी, जो एक बायोपिक मूवी है और सलमान खान अपने करियर में ये पहली बार बायोपिक मूवी करने जा रहे हैं। ये द बुल मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। सलमान खान इस मूवी में एक पैरामिलिट्री का रोल करते हुए देखने को मिलेंगे। सलमान खान की अगली मूवी को लेकर लंबे वक्त से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब तक एक्टर की इसी अपकमिंग मूवी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके चलते फैंस उन्हें जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर इस मूवी में देखना चाहते हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ सलमान खान की नेक्स्ट मूवी की शुरुआत 29 दिसंबर 2023 यानी कि कल से होने जा रही है। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को सलमान खान और करण जौहर की इस मूवी का मुहूर्त रखा गया है, जिसमें फिल्म से जुड़ी पूरी टीम मौजूद रहेगी। इसी के साथ ही नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर विष्णु वर्धन भी इस मूवी का हिस्सा है, तो इस खास मुहूर्त में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। मुंबई के बांद्रा स्थित महबूब स्टूडियो में सलमान खान की इस आने वाली मूवी की मुहूर्त पूजा का आयोजन होना है। 29 दिसंबर तारीख सलमान खान के लिए बेहद ही खास है। इस दिन 34 साल पहले सलमान खान की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ऐसे में सलमान खान की अपकमिंग मूवी की शुरुआत भी 29 दिसंबर को होने जा रही है, जिसके चलते ये तारीख एक्टर के लिए बेहद ही खास बन गई है। और हाल ही में 27 दिसंबर को उनका जन्मदिवस भी गया है। बर्थडे के बाद उनके लिए उनके करियर का बहुत ही बड़ा मौका है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।